हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप सभी से बीएसएफ के एक नई भर्ती के बारे में जो कि निकल के आ चुकी है। मैं अभी बीएसएफ के ऑफिशियल साइट पे हूँ जहाँ पे करंट रिक्वायरमेंट ओपनिंग यहाँ पे दिख रहा है। ये भर्ती कुछ दिन पहले इसका स्टेटस जारी किया गया था जो कि अभी ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट भी आ चुका है। आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल आज ही के डेट से इस फॉर्म का स्टार्ट है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि आप भर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट को पता होगा इसके बारे में, काफ़ी स्टूडेंट के को इसके बारे में पता नहीं होगा कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कब से कब तक अप्लाई करना है। तो यहाँ पे इसका लास्ट डेट है 8 जून 2022 और आज है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं तो आपको सिंपल सा इस वेबसाइट पे आना है, www.bsfrect.gov.in पे आना है। उसके बाद ये पेज पे आप आ जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई हेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा एक फॉर्म का, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा और OTP जनरेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कैंडिडेट नेम देकर, अगर इसमें दे के कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो चलिए मैं पूरा डिटेल में आपको बता देता हूँ। अगर इसके बारे में पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट काफ़ी जेन्यून 100% है, सभी लोग ट्रस्ट करते हैं इस वेबसाइट पे। तो यहाँ पर भी इसे पब्लिश किया गया है आज ही के डेट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। अब बात है यहाँ पर टोटल पोस्ट कितना है। तो फर्स्ट में तो आप जान लीजिए कि यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट है 25 अप्रैल 2022 और लास्ट डेट है 8/6/2022 और इसका एग्जामिनेशन फीस भी आपको पे करना होगा जो कि यहाँ पे दिया है जनरल OBC और EWS के लिए 200, SC ST PH कैंडिडेट है तो उनके लिए 0 रुपीज़ रखा गया है और ऑल कैटेगरी फीमेल है उनको 0 रुपीज़ देना है। उसके बाद यहाँ पे एज की बात की जाए तो यहाँ पे पोस्ट जो निकाली गई है BSF ग्रुप बी वेरियस पोस्ट है, एज यहाँ पे 8/6/2022 के अनुसार काउंट किए जाएंगे और मिनिमम एज नॉट अवेलेबल बता रहा है यहाँ पे और मैक्सिमम एज 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात है यहाँ पे कि कौन कौन से पोस्ट पे भर्ती को निकाला गया है। तो यहाँ पे टोटल 90 पोस्ट है जिसमें भर्ती निकाला गया है। इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट जो कि एक पोस्ट है, इसमें जो भी एलिजिबिलिटी चाहिए बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर विद रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल। उसके बाद है सब इंस्पेक्टर वर्क 57, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इन एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन इंडिया। उसके बाद यहाँ पे है जूनियर इंजीनियर SI इलेक्ट्रिकल जो कि टोटल 32 पोस्ट है जिसमें बताया डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन इंडिया, और जो सब इंस्पेक्टर वर्क है उसमें टोटल 57 पोस्ट रखा गया है। और बात है इसमें कि फिजिकल एलिजिबिलिटी इसमें क्या क्या चाहिए, तो मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। अगर हाइट देखा जाए तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट इसमें चाहिए इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर और फीमेल में चेस्ट नहीं मापा जाता है। चेस्ट फॉर SI and JE पोस्ट के लिए 76 से 81 नॉट अवेलेबल फीमेल। उसके बाद यहाँ पे रन फॉर SI और JE पोस्ट के लिए जो रनिंग होने वाला है 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में आपको रनिंग कंप्लीट करना है और फीमेल को 800 मीटर 5 मिनट में कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग जंप फॉर SI और JE के लिए होने वाला है जो कि 11 फीट का लॉन्ग जंप और फीमेल के लिए 8 फीट का लॉन्ग जंप होने वाला है। हाई जंप फॉर SI और JE पोस्ट के लिए 3.5 फीट होने वाला है हाई जंप मेल के लिए और फीमेल के लिए 2.5 फीट होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कैटेगरी वाइज। यहाँ पे देख सकते हैं कि इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंजीनियर SI इलेक्ट्रिकल अनरिजर्व में 1, 24 और 16 पोस्ट है, OBC में 0। उसके बाद यहाँ पे सब इंस्पेक्टर में 16 और जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर में 4 पोस्ट है, EWS में 0, 5, 4। उसके बाद SC में 0, 8, 5। उसके बाद ST में 0, 4, 3। उसके बाद टोटल देखा जाए तो 157 और 32 यहाँ पे पोस्ट को डिवाइड किया गया है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म को भरने का डेट आपको बता दिया,
इसमें डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो, सिग्नेचर आपका लगेगा। बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आप अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको माध्यमिक का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डालना है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट डालना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगेगा तो वहाँ पे आपको अपलोड भी करना पड़ सकता है। आईडी प्रूफ की बात की जाए तो एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पे बेसिक डिटेल्स भी अगर आपको देना है, यहाँ पे बोला है कि आपको रेडी काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्म, यानी फ़ोटोज़ साइन आईडी प्रूफ को आप स्कैन करके आगे से रेडी रखेंगे, क्योंकि फॉर्म भरने वक्त आपको अपलोड करना पड़ सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पे आते हैं तो आपको काफ़ी कुछ लिंक मिल जाते हैं, जैसे बीएसएफ के ऑफिशियल साइट का लिंक है, इस पर क्लिक करते ही आप ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सिलेबस भी बताया गया है, उसके बाद नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करके आप अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। और अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लीकेशन अप्लाई ऑनलाइन इस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप उस वेबसाइट पर जा सकते हैं, जैसे कि मैं अभी क्लिक करके आपको बताया, देख सकते हैं कि बीएसएफ की ऑफिशियल साइट पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको लिंक मिल रहा है, जो कि लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है बीएसएफ ग्रुप बी पोस्ट के लिए। तो यही इंफॉर्मेशन था, अगर अप्लाई करना चाहते हैं, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब मैच कर रहा है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन था, आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी ऑथेंटिक लगा तो चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो बीएसएफ का यही ऑफिशियल साइट था। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते, धन्यवाद देखने के लिए।